द ओरम सुब्रमण्या। चारों तरफ लश्करीन वादियों से घिरा हुआ ये होटल यहाँ के मेन टेंपल कुक्केश्री सुब्रमण्या टेंपल से सिर्फ 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, जिसे कवर करने में 5 मिनट्स का टाइम लगता है। ये जगह कुक्के सुब्रमण्या एंड स्पेशली द ओरम, ये मैंगलोर एयरपोर्ट से कुछ 100 किलोमीटर्स एंड बैंगलोर एयरपोर्ट से कुछ 300 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। सो नो डाउट ये होटल देखने में तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और वाइब्स यहाँ की बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और फ्रेशनिंग है। बट देखते हैं, रहकर पता चलेगा कि फाइनली इस होटल के रिव्यूज़ कैसे हैं। तो मेरा यहाँ पर टोटल 3 दिन का स्टे है, तो चलो चलते हैं इस होटल को देखते हैं। बैक टू दिस चैनल एंड हम खुशबू विद यू पीपल। तो गाइज, इस टाइम मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ समथिंग अनएक्सप्लोर्ड, विच इज कुक्के सुब्रमण्या। तो यस, इस टाइम मैं खड़ी हूँ कुक्के सुब्रमण्या में और जिस होटल में मैं रुकी हूँ कुक्के सुब्रमण्या में, उसका नाम है द ओरम। द एरोमा ऑफ दिस ओरम इज सो गुड कि मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं आप लोगों को इस होटल का पूरा रिव्यू दूं। इस पूरी वीडियो में मैं आपको देने वाली हूं इस पूरे होटल द ओरम का पूरा रिव्यू कि यहां का स्टाफ कैसा है, यहां की सर्विसेज कैसी हैं, यहां का फूड कैसा है, यहां के रूम्स कितने स्पेशियस हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहां से पूरे होटल का 360 डिग्री का व्यू कैसा है एंड स्पेशली ब्रेकफास्ट कैसा है, क्योंकि मेरे लिए तो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। अभी मैंने चेक इन कर लिया है होटल में, तो चलो अब आगे की सारी चीजें मैं आपको दिखाती हूँ। सो बी विद मी एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। Formalities. Meanwhile, you can enjoy your welcome drink. Once tea is ready, I'll come and I'll escort you in your room. Thank you so much. Please, ma'am, please. So, जो इनका वेलकम जेस्चर था वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलो अब मैं जा रही हूँ अपने रूम की तरफ एंड आई विल शो यू पीपल कि इन लोगों का रूम कैसा है। बट जो स्टार्टिंग का जो एक पॉइंट होता है ना वेलकम थिंग, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा हार्ट मेल्टिंग है वो। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले कि यहाँ के रूम्स कैसे हैं। एंड यस, एक और चीज़ कि इस पूरी वीडियो में मिलने वाले हैं आपको जनरल रिव्यूज़ इस पूरे होटल के, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो एट ऑल। तो चलो चलते हैं और इस पूरे होटल को देखते हैं कि ये कैसा है। मैंने इस होटल में चेक इन कर लिया है और मैं जैसे ही मैंने रूम में एंट्री ली, आई कुड सी अ वेरी स्पेशियस रूम अलोंग विद द एमिनिटीज अवेलेबल हियर। बाथरूम बहुत ही ज्यादा क्लीन है, कबर्ड्स भी बहुत ज्यादा स्पेशियस हैं, रूम काफी ज्यादा स्पेशियस है। बट व्हाट आई लाइक्ड मोस्ट अबाउट द रूम्स ऑफ दिस होटल इज दैट कि यहाँ का जो व्यू है ना, दैट इज अ ब्रेथ टेकिंग व्यू। कैन यू सी बिहाइंड मी? दिस इज द कुमार धारा रिवर एंड मैंने यहाँ के स्टाफ से बात की तो दे टोल्ड मी कि मैम दिस इज द 4-star प्रीमियम एंड लग्जरी होटल एंड दिस इज द ओनली वन होटल इन होल कुक्के सुब्रमण्या विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ कुमार धारा रिवर।
एंड आई कैन सी द ब्रेथ टेकिंग व्यू फ्रॉम हेयर. बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. और आगे का पूरा होटल का रिव्यू मैं आपको देती हूँ, बट फिलहाल मुझे रूम में आके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आई, बहुत फ्रेश वाइब्स आई. तो चलो आप इस चीज़ को इंजॉय करो. सो रूम में थोड़ा रेस्ट करने के बाद मुझे लगे बहुत तेज़ भूख. सो येस आई वॉज क्वाइट हंग्री. सो आई थॉट कि क्यों ना मैं इसी होटल के रेस्टोरेंट में अपना लंच करूं, सो दैट मैं ये भी देख सकूं कि यहाँ का खाना कैसा है, विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर मी. सो चलो देखते हैं. एंड हेयर आई वॉज सो हैप्पी टू सी एन ओपन रेस्टोरेंट, क्योंकि इतने ज़्यादा यहाँ पर खूबसूरत नज़ारे हैं कि इनके साथ अगर लंच करने को मिले तो आई डोंट थिंक कि उससे बेस्ट कोई बात हो सकती है. My name is Animesh and I'm here to take care of you. So what would you like to have? Okay, so can I have any menu card? Yes madam, we have a scanner menu. You can select from here. Oh, digital one. Yes, please. Okay. Okay, so I will go with food. तो वन कढ़ाई पनीर, ओके, टू चपाती दैट फुलका, या एंड आई वांट टू, आपके मेन्यू में काफी सारी मॉकटेल्स लिखी हुई हैं, तो आई वांट टू ट्राई वन. कैन यू सजेस्ट मी समथिंग? यस मैडम, वी हैव सम स्पेशल मॉकटेल्स एंड स्पेशली वी हैव अ ऑरम स्पेशल मॉकटेल्स दैट नेम्स अ मैंगो मैडनेस. एंड यू इफ यू वांट इट देन यू विल गेट अ स्ट्रांग मैंगो फ्लेवर एज वेल एज इट्स अ बेस्ट स्मूदी टेस्ट. सो आई विल सजेस्ट यू डेफिनेटली, प्लीज ट्राई दिस वन. ओके, आई कैन ट्राई. तो मैंगो मैडनेस, मैडनेस, ओके. सो वन मैंगो मैडनेस. सो ये मैंगो मैडनेस जितना देखने में टेम्पटिंग है ना, ऑन अ सीरियस नोट इसका टेस्ट भी उतना ही ज्यादा अच्छा है. सो इट्स अ मस्ट ट्राई मॉकटेल इन दिस पर्टिकुलर होटल. नॉर्थ इंडियन खाना इतना ज्यादा अच्छा मिले तो मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा बेस्ट कोई बात हो सकती है. बहुत अच्छा खाना बनाते हैं आप लोग. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू मैम. और जब से मैं इस होटल में आई हूँ ना, तब से मेरा ध्यान था यहाँ की 24K एंटिक शॉप पे, जहाँ पे मुझे दिख रहे थे काफ़ी सारे आइटम्स रखे हुए. तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसे एक्सप्लोर किया जाए. आपको कुछ भी चाहिए, सब कुछ ओरिजिनल है. दैट्स व्हाई है सब 24K है. ये स्पाइसेस रखे हुए हैं? हाँ जी जी मैम, स्पाइसेस भी है और ये भी ओरिजिनल है, यहीं का है, तो यहीं के आसपास के जंगल से है. तो सच में ये होटल खूबसूरत वादियों से तो घिरा है ही, लेकिन आई गेस दिस होटल दी ओरम सुब्रमण्या इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ईच एंड एवरीथिंग. या तो रहना हो, या खाना हो, या फिर शॉपिंग करनी हो, यू कैन हैव ईच एंड एवरीथिंग हेयर एट दिस पर्टिकुलर होटल. ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा देखने में. एंड ही डिस्क्राइब्ड मी ईच एंड एवरीथिंग इन सच अ डिटेल कि यहाँ से एंड में कुछ ना खरीद के ले जाओ ये तो पॉसिबल ही नहीं था. सच अ ग्रेट मार्केटिंग स्किल्स ही हैज. Thank you.
के सुब्रमण्या के बारे में मैंने काफी लोगों से बहुत कुछ सुना था, तो इसीलिए मैंने प्लान किया इस जगह को विजिट करने के लिए। तो मैंने अपनी जो पूरी जर्नी है वो दिल्ली से स्टार्ट की, लेकिन ये इतनी रैंडम ट्रिप थी कि मैंने ना तो इसके लिए कोई होटल बुकिंग और ना ही कोई कैब बुकिंग की थी। चलो क्योंकि अब आप लोगों ने ऑलमोस्ट पूरा होटल देख ही लिया है, तो मैं अब आप लोगों को एक छोटी सी झलक दिखाती हूँ कि मुझे ये होटल कैसे मिला इन सच रैंडम ट्रिप। तो मैं यहाँ कुके सुब्रमण्या टेम्पल के सामने ही खड़ी हूँ, पहुँच चुकी हूँ यहाँ पे, बट अभी तक मैंने यहाँ पर कोई भी होटल बुकिंग नहीं की है। तो चलो किसी से पता करते हैं कि यहाँ पर कौन सा होटल अच्छा है रहने के लिए, क्योंकि समहाउ मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। तो चलो देखते हैं किसी से बात करने से कुछ पता चले तो। एक्सक्यूज मी भैया, मैं यहाँ पर एक होटल ढूंढ रही हूँ रहने के लिए। एक्चुअली मैं दिल्ली से आई हूँ, तो क्या कोई होटल मिल सकता है? एक्चुअली बस थोड़ा सा अच्छा होटल और मंदिर के आसपास ही लोकेशन होनी चाहिए। दीदी यहाँ पे बहुत सारा होटल है, आप दिल्ली पे आ गया है, इधर बहुत अच्छा होटल आपको दी ओरम सुब्रमण्य है, वो बहुत अच्छा है, वो नदी का पास है, उधर एक देखने के लिए कुमारा पर्वत सामने है, आपको अच्छा होटल है दी ओरम सुब्रमण्य है, वो स्टार कैटेगरी होटल है, फोर स्टार कैटेगरी होटल है। एक्सक्यूज मी भैया, ये द ओरम किस साइड है होटल? ओरम इधर है, लेफ्ट साइड। अच्छा यहीं से लेफ्ट साइड में, ओके। तो ये कैसा होटल है रहने के लिए? अच्छा है, एक्सपर्टी है, इधर सुब्रमण्य का लग्जरियस होटल। ओके अवेलेबल हैं या नहीं। एक्चुअली इट्स अ सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम चाहिए मुझे, थ्री डेज के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास थ्री रूम्स ओनली अवेलेबल है और एक डेरी का एक रूम है, सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट गो फॉर प्रीमियम डबल रूम। ओके, दैट विल बी गुड एनफ फॉर यू। एंड इट इज विद इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट मैम, यस, ब्रेकफास्ट मॉर्निंग बफर ब्रेकफास्ट विल बी इंक्लूडेड एंड वी विल गिव यू अ रिवर व्यू रूम। Okay. Yes. So from the room there is a marvelous view of Kumarthara River and Hilo. मुझे finally यहाँ पर room मिल गया। And that's how I landed at this place, the Oram Subramanya. So here I am back at the restaurant to have my dinner. तो प्लान तो मेरा था कि मैं बाहर जाके डिनर करूंगी, लेकिन यहाँ का जो लंच था वो इतना ज़्यादा यम और टेस्टी था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी रेस्टोरेंट में डिनर भी किया जाए। एंड मैं जहाँ पर भी जाती हूँ ना, आई रियली लाइक टू ट्राई द शेफ स्पेशल डिशेस, तो देखते हैं कि अब यहाँ पर क्या मिलता है खाने के लिए। सो यहाँ का खाना इतना टेस्टी था दैट आई वॉज सो क्यूरियस टू सी कि एक्चुअली ये खाने की प्रिपरेशन इनकी किचन में होती कैसे है। तो मैंने इन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि वो एक बार मुझे किचन में प्रिपरेशन देखने दें, एंड दीज पीपल अलाउड मी। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि इस हरे भरे कबाब की प्रिपरेशन कैसे हुई। आपका हरा कबाब तैयार है,
खाने के लिए। सो फाइनली माय हरा भरा कबाब वॉज ऑन टेबल, तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था और क्योंकि मैंने इसकी प्रिपरेशन देख ली थी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी इसको टेस्ट करने के लिए। सो खाना तो बिना मेन कोर्स के कंप्लीट होता ही नहीं है। सो दिस वॉज द लास्ट डिश ऑफ माई डे, द बिरयानी। एंड आई गॉट टू नो कि यहाँ के जो शेफ हैं ही कैन प्रिपेयर 18 यानी कि 18 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिरयानी एंड ही हैज़ अ मास्टरी इन दैट। तो जा तो मैं रही थी कुक्के सुब्रमण्या टेम्पल दर्शन करने के लिए, लेकिन मैंने देखा कि इस होटल में एक गणेश जी की बहुत ही प्यारी मूर्ति है, एक छोटा सा मंदिर है जिसे यहाँ पर ये बहुत ही प्यार से सजा रही थी और बहुत खूबसूरती से सजाया है इसे। तो ये है, आपका क्या नाम है? हर्षिता। ये है जो पूरा जो मंदिर है यहाँ पर जो छोटा सा सेटअप किया है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे गणपति जी की मूर्ति है, उसको सजा रही हैं फूलों से। आपने सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर सजाया है। तो आप ये डेली सजाते हो? अरे वाह, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सजाया आपने। ब्रेकफास्ट, तो कल का लंच और कल का डिनर तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो चलो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि द ओरम का ब्रेकफास्ट कैसा है। आई होप कि डिलीशियस ही होना चाहिए। सो यहाँ पर ब्रेकफास्ट में तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे जिन्हें देखकर मैं बहुत खुश हो गई। तो वी हैव यू नो जूस, चाय, उत्तपम, सांभर, डोसा, वड़ा, देन पकौड़े, देन पूड़ी, भाजी एंड यू नो पराठे और क्या नहीं था, मतलब आई कुड नॉट काउंट दैट। और पता है सबसे अच्छी बात क्या थी, इन लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पर जैन फूड भी अवेलेबल होता है, यानी कि बिना अनियन और गार्लिक का खाना भी होता है। तो एक धार्मिक स्थल पे इससे बड़ी बात और इससे अच्छी बात तो होटल में शायद कोई हो ही नहीं सकती। ब्रेकफास्ट देखने में इतना टेम्पटिंग था कि मैंने अपनी जो प्लेट थी वो काफ़ी सारी डिशेस से फिल कर ली थी, बट एज अ सरप्राइज एलिमेंट दीज पीपल सर्व्ड मी टू वेरी डिफरेंट यूनिक एंड शेफ स्पेशल इडलीज। तो एक थी कुल्फी इडली और दूसरी थी कोकोनट इडली। तो वो जो कुल्फी इडली थी ना, पहले तो मुझे देखने में लगा कि दैट इज़ कुल्फी ओनली, बट देन दे टॉक टू मी एंड उन्होंने मुझे बताया कि दिस इज़ कुल्फी इडली। सो विच केम एज अ सरप्राइज एलिमेंट टू मी एंड सीरियसली, देखने में जितनी यम थी ना, खाने में उससे ज़्यादा यम थी। हेड्स ऑफ टू देयर शेफ। तो खाना तो डेफिनेटली यहाँ का बहुत ही अच्छा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद और आप लोगों को भी इस पूरी एक टीम से मिलवाऊँ जिनके एफर्ट से यहाँ के जो गेस्ट हैं वो खाने से इतने ज़्यादा खुश होकर जाते हैं। तो शी इज़ सुमन विद मी एंड यू आर सो नाइस, और आप बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से केयर करते हो। ये हैं हमारे शेफ ओमपाल सिंह। तो आप तो डेफिनेटली, मतलब मैंने जो शेफ स्पेशल डिश जो आपको दिखाई ना, दैट इडली, क्या इडली थी वो? मलाई कुल्फी, एक मलाई कुल्फी, एक मलाई कुल्फी, मलाई कुल्फी इडली एंड कोकोनट इडली। ओह माय गॉड,
वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। मतलब आई कैन डेफिनेटली रिकमेंड यू पीपल कि अगर आप द ओरम में रुकने नहीं आ रहे हैं तो एटलीस्ट आप एक बार इन शेफ के हाथ का प्लीज़ खाना ट्राई करने डेफिनेटली आना। विद मी यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे से स्टाफ, वी हैव आलोक, वी हैव बापुन, वी हैव तुषार, जो कि इतने अच्छे से आपका केयर करते हैं राइट फ्रॉम द मोमेंट यू विल एंटर इन टू द रेस्टोरेंट, दे विल गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू लाइक एनीथिंग। तो आपको शायद आपके टेबल पे कुछ भी मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये लोग खुद ही अपने गेस्ट का इतना अच्छे से ध्यान रखते हैं कि खुद ही आपकी टेबल पे हर चीज़ लेकर आ जाएंगे। और इन सबको मैनेज करने के लिए महावीर सर, आई हैट्स ऑफ टू यू, आपने इतने अच्छे से ये रेस्टोरेंट मैनेज किया है ना, इतना ज़्यादा मैं ओवरवेल्म फील कर रही हूँ यहाँ पर आके। मेरा जो 3 दिन का स्टे था, स्टे इज़ वन थिंग, बट अगर जहाँ पर आप रह रहे हैं अगर वहाँ का खाना आपको अच्छा मिले तो शायद आप उस जगह को छोड़कर जाना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि एज अ गेस्ट व्हाट यू नीड इज़ अ गुड फूड एंड अ गुड पीपल। सो हे पीपल, आफ्टर स्टेइंग इन दिस होटल द ओरम फॉर गुड 3 days, नाउ आई एम गिविंग यू माई जेन्युइन रिव्यूज अबाउट दिस होटल। तो सबसे पहले बात करते हैं इस जगह की खूबसूरती के बारे में। तो शायद आपने इस पूरी वीडियो में इस जगह की खूबसूरती को तो भर भर के देख लिया होगा कि ये जो जगह है ये कुमार धारा रिवर के बैंक्स पर सिचुएटेड है, एंड दिस इज द ओनली होटल इन कुक्के सुब्रमण्या हु इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ कुमार धारा रिवर, एंड दिस इज द ओनली होटल प्रॉब्ली विल बी गिविंग यू द मोस्ट पॉजिटिव वाइब्स इन दिस होल एरिया। बात करते हैं यहाँ के रूम्स की, तो रूम्स आर वेरी वेरी क्लीन, रूम्स आर वेरी स्पेशियस, लेकिन रूम से जो व्यू है ना, ये जो पूरा आपको 360 व्यू दिखता है ना रूम से, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पैरामीटर, दैट इज़ द स्टाफ। तो गाइज, यहाँ का स्टाफ, मैं इस होटल में बहुत रैंडमली लैंड हुई थी, बट यहाँ का जो स्टाफ है वो इतना ज़्यादा फैमिली एनवायरनमेंट देता है, वो इतना ज़्यादा फैमिली ट्रीटमेंट देता है, मैं स्टाफ की शायद तारीफ करते बिना नहीं थक सकती हूँ कि इतना प्यारा स्टाफ है यहाँ का, इतना ज़्यादा हम्बल, इतना ज़्यादा केयरिंग, और आपकी हर छोटी छोटी चीज़ का जब तक आप यहाँ रहेंगे, आपके स्टे से लेकर, आपके खाने से लेकर, आपके घूमने से लेकर, दे विल टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस होटल में स्टाफ को चुन चुन के रखा गया है क्योंकि हर एक इंसान यहाँ का बहुत ही प्यारा और बहुत ही हम्बल है। तो जस्ट वन थिंग अबाउट दिस होटल कि ये जो पूरा होटल है ना, इसकी खूबसूरती ऐसी है, इसकी वाइब्स ऐसी हैं कि अगर आप अपना वेकेशन प्लान कर रहे हैं और अगर आप एक सिक्लूडेड से प्लेस पे बस रहना चाहते हैं 2 या 3 दिन के लिए, तो दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट प्लेस फॉर यू, क्योंकि यहाँ की वाइब्स बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। यू जस्ट डोंट नीड टू स्टेप आउट ऑफ द होटल बिकॉज द ओरम इन इटसेल्फ इज अ होल कुक्के सुब्रमण्या। ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है अबाउट द वाइब्स ऑफ दिस होटल। तो अगर आप लोगों को ये जगह और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू हिट दैट लाइक बटन, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि क्या आपने वो वाइब और वो पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पर फील की या नहीं मेरी वीडियो के थ्रू। एंड यस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल। टिल देन यू गाइस स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय फ्रॉम द ओरम द कुक्के सुब्रमण्या।